मैनू अपने भाई की शादी में जाने के लिए ड्रेस पहन उखल मुसल जो है वो मिलता भी नहीं किसी के पास। रोटी जो है वो सीख गई है, अब इसको जो है अदिति जो मिक्सी में पीस देगी। इसके पहले जो है दोस्तों बादाम जो है ये मैं लेके आया था 700 रुपये किलो। चीकू देखिए कितने बड़े बड़े हुए बस अब इनका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों अभी जो है मैं नारनौल जाऊंगा, नारनौल यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो बाइक से जाएंगे मैं और मेरा जो कज़न है वो, एक छोटा सा काम है तो हम जल्दी से निकलते हैं। बस मैं कैमरे को जो है माउंट कर लेता हूँ हेलमेट में। के मैनो रावी बोल रही है, आ रही है रावी, 2 मिनट रुक जा। तू ही ना आयो लेट कर दियो करके लगते ना कर दे। चला ओए रियान, घर भाग जा बेटा, घर भाग जा। रोड यार बिना नहीं बना रहे ना है। मैनू अपने भाई की शादी में जाने के लिए ड्रेस पहन पहन के देख रही है कि कौन सी लेके जानी है। कौन सी ड्रेस है ये? लहंगा है। लहंगा अलग तो है, राजस्थानी सी है। जल्दी से कपड़े पहन के और खाना लेके आओ। सही है दोस्तों, कैसी लग रही है ड्रेस मैनू की कमेंट करके बताना। लास्ट टाइम रावी की ड्रेस तो अच्छी थी। हाँ सही है, जाओ रोटी ले आओ। ये तोरू चाची दी है क्या? दोस्तों ये तोरू जो है खेत की है, लेकिन ये चाचा के खेत की है जो मंदिर वाला एरिया वहाँ की ताजा। सही लग रहा है, चप्पल पहनूंगी जब हो जाए बच्चों। क्या बनाया आज? सब्जी क्या है? तो सब्जी बनाई थी, भरतू और भिंडी। भरतू और भिंडी, दही भी देना। है भी दो है? लस्सी दे दो एक गिलास। गर्मियों में दोस्तों लस्सी और दही जरूर खाना चाहिए। वो गए चाची, चाची अरे थाने जा रहा है। अरे चाची सरकन 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 नहीं आ रहा है। सटा कहे आ रही, सटा कहे आ रही। तीन का सार है ये, तीन का सार नीचे उधर नहीं निकल सके। जगह लो है, जगह है कि ओ निकल गई, उधर ही आ गई, उधर आ गई, गया 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 गया, उधर नहीं आ गई। गाय का नहीं आएगी, पत्रोली जान दो देगी ना।
पता भी तो ना चल रहा इसी माटी पर की ओ भी भागे वो भागी भाई की सच्ची टांका नहीं जा रही कटिन गई भाई कर दे वो भाई 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 मारी उड़ी ने एड पेटा में काई सट गया पेड़ पर गई सब फट गया अनार से नहीं वा भाई वा भाई भाई तूने बिरयानी खानी बिरयानी बहुत बड़े हो तो कट गया कितने कह रहे हैं कि... है? है? तो जा रही है देख पूरा ये आ गई पाइप नहीं लाओ इजाम दिखे भी कौन रहा दिखे तो कौन यार एक घास में ना पाओ एक घास जिस रंग है ही को दोस्तों अभी जो यहाँ पे सांप निकलाया था और पकड़ने से पहले ही उसको भगा दिया मैं अभी वीडियो पोस्ट करने जा रहा था तभी एकदम से आवाज़ आई मैंने बोली नीचे सांप है सांप है मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ पहले दोस्तों आज जो है चूरमा और दाल जो है वो बनाएंगे घर पे भाभी जो है यहाँ पे रोटियाँ सेक रही है और जो चूरमे की रोटी है वो क्या नॉर्मल रोटी से मोटी होती है ये देखिए ये मोटी मोटी रोटी है और जो फोक है जो चम्मच है ये कांटे वाली इससे इसमें जो है इस तरह से होल कर देंगे इससे क्या है इसके अंदर तक की जो सिकाई है वो अच्छे से हो जाएगी ये फूलेगी नहीं और इन रोटियों के अंदर जो है थोड़ा घी डाल दिया जाता है जब इनको बनाया जाता है ताकि आराम से वो हो जाए टूट सके पहले क्या है ये चूरमा जो है उखल मूसल आता था उसके अंदर बनाते थे अभी क्या है सब मिक्सी में बनाने लगे तो उखल मूसल जो है वो मिलता भी नहीं किसी के पास तो हम भी जो है मिक्सी में बना रहे हैं अदिति जो है इनको पीसेगी पहले तवे पे सीखेगी फिर चूल्हे में सीखेगी और फिर जाएगी अदिति के पास ये दोस्तों देखिए रोटी जो है वो सीख गई है अब इसको जो है अदिति जो मिक्सी में पीस देगी इसके पहले जो है थोड़े टुकड़े करेंगे थाली में रख के इसके टुकड़े कर देंगे और फिर मिक्सी में इस तरह से डाल के फिर इसको पीसेंगे ये देखिए इस तरह से चूरमा जो है ये देखिए बारीक बारीक चूरमा जो है तैयार है अब इसके अंदर जो खांड होती है वो और घी वो डाल के इसको मिक्स कर देंगे ये सभी रोटी बनाकर इकट्ठा करके फिर इसमें जो है मिक्स करेंगे दाल बन गई मीनू दोस्तों दाल जो है वो यहाँ पे बन चुकी है ये देखिए गर्मा गर्म दाल रावी पढ़ाई करिए रावी हाय करो आज मैं मेरे बादाम और अखरोट लेके आया था जो मैं जिम से आने के बाद जूस में डाल के खाता हूँ तो उनको इस डिब्बे में डाल देते हैं मैं इस डब्बा इसी डिब्बे के अंदर डाल के रख देता हूँ इसको दोस्तों बादाम जो है ये मैं लेके आया था 700 रुपये किलो तो ये आधा किलो बादाम लेके आया हूँ मैं तो ये बादाम इसमें डाल देता हूँ बेकार है इस बार मैं एक होलसेल की दुकान से लेके आया हूँ ये यानी कि जहाँ पे शादी वगैरह के लिए जो सामान लेके आते हैं उसके लिए वहाँ से और इस बार जो दोस्तों ये देखिए जो अखरोट गिरी है ये इस तरह से आती है इनके अंदर की जो हवा है उसको निकाल लिया जाता है और इस तरह से कि इसको अभी जब मैं खोलूँगा तभी खुल जाएगी बिल्कुल सारी अलग हो जाएगी मैं बोले तो कैंची लेकर आने पड़ेगी अभी कैंची लेकर ये अखरोट गिरी जो है 200 रुपये का पैकेट है 250 ग्राम का ये अब देखिए इसको खोलते कैसे खुल जाएगा ये हवा निकलते इसकी देखिए लूज हो गया सारा
ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है अखरोट डाल दिए और इसमें जो है बादाम डाल दिए, तो ये दोनों जो है मैं रख देता हूँ। रात को डेली जो है इसमें जो थोड़े से बादाम और अखरोट भिगो देते हैं। खांड मिला रही है क्या? मैं खांड डाल दी दोस्तों, इसके अंदर जो खांड है उसको दबा दिया और घी घी बाद में। दोस्त चिक्कू देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, बस अब इनका पता नहीं कब पक कर ये नीचे गिर जाएंगे। देखिए ये भी मोटे मोटे हैं। मैं इनको दबा के इसलिए देखता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये गिर गए थे यानी कि पकने के बाद, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे गिर जाए और इतने नीचे इतने प्लांट्स हैं इनमें पता भी नहीं चलेगा। ये सारे प्लांट्स हटाने होंगे यहाँ से तभी पता चलेगा। अभी तो थोड़ा टाइम इनमें लगेगा क्योंकि इस बार गर्मी जो है वो कम थी, इस वजह से अभी पकने में टाइम लगेगा। ये अदिति ने लगाई थी ईख, और यहाँ पे देखिए ये टर्टल वाइन है छोटी वाली, कितनी फैल गई है। इनको पोर्ट में शिफ्ट करेंगे। मैं आपको जो पहाड़ी नींबू हमारे वो दिखाता हूँ। देखिए थोड़े दिन पहले जब मैंने आपको दिखाए थे तब आई थिंक वो छोटे छोटे थे, और अभी अगर आप देखेंगे तो इनका साइज़ देखिए कितना बड़ा हो गया। ये देखिए बड़े बड़े हो गए, और इस बार जो है इनमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा आई है। लास्ट टाइम इसमें एक दो फ्रूट लगे थे सिर्फ, और इस बार देखिए कितने लगे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है प्लांट।